हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वीकली प्रेडिक्शन। वीक स्टार्ट हो रहा है 16th ऑफ अक्टूबर से लेके 23rd ऑफ अक्टूबर 2023 तक। जैसे कि मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि ये जो मेरी प्रेडिक्शंस हैं आपके सेंटर्स पे बेस्ड है, आपके सन साइन या आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंट साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुनें, यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अपकमिंग वीक एंड यू कैन मेक योर लाइफ ईजी एंड बेटर। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अक्सर एक छोटा सा लेक्चर देता हूं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो ज़रूर सुने, मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप नहीं भी सुनना चाहते तो बिल्कुल ना सुने, मुझे और अच्छा लगेगा। लेकिन आप जो भी करें, करें ज़रूर दिल से करें। सुनना है तो दिल से सुने, ना सुनना है तो भी दिल से ना सुने। तो दोस्तों, सक्सेस, कामयाबी, अचीवमेंट, फेम, प्रॉस्पेरिटी, बैंक बैलेंस, गर्लफ्रेंड, वाइफ, एक अच्छा स्पाउस, एक अच्छा वीला, यू नो, व्हीकल, हमें सब कुछ चाहिए इस ज़िंदगी में। सक्सेस चाहिए, हम बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, हम बहुत जल्दी तरक्की करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे अकाउंट में मिलियन ट्रिलियंस हो। अगर कोई मुझे हॉरोस्कोप दिखाने आता है, अभी कुछ अरसा पहले की, अरसा नहीं हम बोल सकते, कुछ हफ्ते पहले की बात है, एक पर्सन मेरे पास आए, ही बिलोंग्स टू वेरी गुड फैमिली, वेरी एजुकेटेड, तो मुझे बोलते हैं मैं पैसे वाला बनना चाहता हूँ। आई थिंक ही इज जस्ट 32-33। तो मैंने बोला कितना पैसे वाला, कितना पैसा आपको चाहिए लाइफ में, कितना आप सोचते हो? तो उन्होंने बोला कोई उसकी गिनती नहीं है अमित जी, मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। मतलब कि एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, मैं शायद वो भूल गया हूँ, मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा आप क्या हार्डवर्क करते हैं? तो वो बोलते हैं कि जी मैं कोई हार्डवर्क नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इंतज़ार कर रहा हूँ कि वक्त अच्छा कब आए और कब मेरा जैकपॉट लगे। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैकपॉट ऐसे नहीं लगते, घर में बैठ के लॉटरी किसी की नहीं लगती। आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है लाइफ में, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं लाइफ में, तो जाकर आपका आपको लाइफ में सक्सेस मिलती है। सक्सेस पाने के लिए हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है लाइफ में, चाहे वो कोई भी बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी हो या मेरे जैसा एक आम आदमी हो। जब तक हम लाइफ में सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, हम लाइफ में ग्रो नहीं करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आई वेक अप अर्ली मॉर्निंग, आई गो टू द जिम, आई गो टू द मॉर्निंग वॉक। मैं जाना नहीं चाहता, मैं जिम नहीं जाना चाहता, मैं मॉर्निंग वॉक नहीं करना चाहता, मेरी ईटिंग हैबिट्स बड़ी ख़राब हैं, मैं नॉनवेज खाता हूँ, मैं अल्कोहल पीता हूँ, मैं स्मोक करता हूँ, मैं वो जर्दा होता ना, जर्दा तंबाकू, मैं वो भी खाता हूँ, मैं बहुत बुरे काम करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, मैं घर से बाहर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं फिर भी अमीर बनना चाहता हूँ। मैं अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं फिर भी अमीर बनना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप और मैं अमीर बनना चाहते हैं या सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है सेक्रीफाइस करना। जब तक हम सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, आप इस चीज को दिमाग में रख के चलें, जब तक हम सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को नहीं ढालेंगे, एटमोसफेयर के हिसाब से अपने आप को नहीं ढालेंगे, ठंड लगती है तो आप कोट डालते हैं, जैकेट डालते हैं, वुलन डालते हैं, गर्मी लगती है तो आप टी शर्ट डालते हैं कॉटन की, गर्मी लगती है बनियान में भी घूमते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग करते हैं 3-3 घंटे समर में, लेकिन विंटर में स्विमिंग से दूर रहते हैं, क्योंकि सिचुएशन एटमोसफेयर है। उसी तरीके से लाइफ में तरक्की हासिल करने के लिए हमें कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं अपने दिल के साथ, अपने दिमाग के साथ। मेरा दिल ये चाहता है, मैं नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि मुझे अपना काम करना है, मुझे हार्डवर्क करना है, मुझे एफर्ट करना है, मुझे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है। सेक्रीफाइस एंड योर परफॉर्मेंस प्ले अ बिग रोल। इफ़ यू परफॉर्म योर बेस्ट, आप कभी ये नहीं देख रहे कि आप नौकरी करते हो बॉस कितना कमा रहा है, कितना नहीं कमा रहा। कई लोग मुझे आकर बोलते हैं, यार मैंने पता क्या किया, $10 million मेरे बॉस को पिछले 3 साल में कमा कर दे दिए, और मुझे क्या मिला? छनछना, मेरे अकाउंट में तो साला $50 lakh नहीं है, $1 lakh नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने अपने बॉस के लिए क्या किया, आपने अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए क्या किया? अगर आपने आने वाले कल में यही सब सोचना है तो फिर कुछ करें ही ना, फिर घर में ही बैठे रहें। वो आपके कर्म थे कि आपने अपने बॉस को इतना कमा के दिया, आपके अंदर एबिलिटी थी और आपकी बॉस की किस्मत अच्छी थी जिसके पास आपके जैसा एम्प्लॉय था। आपकी किस्मत अच्छी नहीं थी कि आपके बॉस ने आपको एक्स्ट्रा मनी नहीं दिया आपकी जो सैलरी है उसके अलावा, क्योंकि वो जो आपका बॉस है वो सेल्फिश है, मनी माइंडेड है, लेकिन आप बेस्ट हो। एक बात हमेशा याद रखें, मैं अपने वीडियोज में बोलता हूँ, आप अपना इस धरती पर सिंगल वर्जन हो। अमित कपूर अपना इस धरती पे सिंगल वर्जन है, मेरे जैसा और कोई नहीं। मैं अच्छा हूँ, झूठा हूँ, पाप हूँ, पुण्य हूँ, फरेब हूँ, बकवास आदमी हूँ, घटिया इंसान हूँ, या बहुत अच्छा हूँ, जैसा भी हूँ मैं धरती पे हूँ, एग्जिस्ट कर रहा हूँ।
अपनी गलतियों को रोज सुधार रहा हूं और एक अच्छा और मुकम्मल इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं। यही मेरी लाइफ की थ्योरी है। मुझे कोई बोलता है आप में ये कमी है, बोलता हूं सर है, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ, है, आई एम डाउन टू अर्थ, आई एम अ हम्बल पर्सन। कुछ ऐसे लोग हैं अपने माँ बाप से लड़ते हैं, माँ बाप की इज्जत नहीं करते, माता को डिसरिस्पेक्ट देते हैं, फादर को डिसरिस्पेक्ट देते हैं, समाज में बड़े अच्छे बन के घूमते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं, लेकिन माँ बाप के लिए वो एक तरह से श्राप है या अपने माँ बाप को श्राप समझते हैं। ऐसे लोगों को क्या करना है धरती पे? कहने का मतलब ये है, सेक्रीफाइस, परफॉर्मेंस, लोगों की बातों में ना आना, लोगों की बातों को ना सुनना। कोई अच्छा बोल रहा है तो भी अच्छा है, कोई आपके लिए बुरा बोल रहा है तो भी कोई बात नहीं। बुरा बोलेगा वो आपका जो क्रिटिसिज्म होगा, जो क्रिटिक्स होंगे आपके, वो आपको सक्सेस की बुलंदी पे देखना चाहते हैं, इसीलिए आपके अंदर की कमियां ढूंढ रहे हैं। आपके अंदर वो कमियां नहीं भी हैं तो भी वो बोल रहे हैं तू झूठा है, तू मकार है, तू फरेबी है, तू चालबाज है, तू घटिया है, तेरा करेक्टर खराब है। हाँ जी है। आप फिर भी अपने आप को इम्प्रूव करो, फिर भी अपने आप को पॉलिश करते रहो। सो दोस्तों, ये तो थी एक पर्सनल एक्सपीरियंस की बात जो मैंने अपनी लाइफ से लिया है, कि आप जितने मर्जी अच्छे बन जाओ, जितने मर्जी अच्छे पति बन जाओ, जितने मर्जी अच्छे बॉयफ्रेंड बन जाओ, फादर बन जाओ, आप भाई बन जाओ, आप बच्चे बन जाओ अपने, वो कुछ ना कुछ कमी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में होगी, लेकिन उसकी वजह से आपने अपनी प्योरिटी को, अपनी ऑनेस्टी को खराब नहीं होने देना। आप जैसे हैं, जो अच्छी कर्म, अच्छे सोच आप अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने सराउंडिंग लोगों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने स्पाउस, अपने बच्चों, अपने सिबलिंग्स के लिए सोचते हैं, और जितनी बड़ी सोच और जितना बड़ा कर्म आप अपने फैमिली के लिए करेंगे, उतनी ज़्यादा जबरदस्त राइजिंग भी आपको भगवान देगा। सो दोस्तों, बात शुरू करते हैं 16th अक्टूबर से 23rd ऑफ अक्टूबर की वीकली प्रेडिक्शन की। जैसे कि मैं अपने नए व्यूवर्स को फिर से बता दूं, मेरी प्रेडिक्शन आपके लगन पर आधारित है, चंद्र राशि से और आपके सूर्य राशि से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोज़ को सुने, यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अपकमिंग वीक एंड यू कैन मेक योर लाइफ इजी एंड बेटर। सो दोस्तों, सबसे पहले बात शुरू करेंगे एरीस असेंडेंस, मेष लगन की। मेष लगन के लिए 16th अक्टूबर से लेकर 23rd ऑफ अक्टूबर तक का जो टाइम है, आप ये समझ के चलें, ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए मंडे ट्यूसडे आप स्काई हाई रहेंगे, मंडे ट्यूसडे आपकी मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी जाएगी, नए बिजनेस पार्टनर्स आपको मिल सकते हैं, मंडे ट्यूसडे को आपकी गुडविल राइज होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, गुस्सा आपके अंदर बहुत आएगा, अग्रेसिव आप बहुत रहेंगे, लेकिन पैसे की कमी नहीं रहेगी। मंडे ट्यूसडे को आपके रुके हुए काम बनते जाएंगे, मंडे ट्यूसडे को आपकी चीज़ों में बड़ी पॉजिटिविटी आएगी, मंडे ट्यूसडे को आप एक नेक्स्ट लेवल पे होंगे। देखिए, मंडे ट्यूसडे को आप जो होगा, अगर कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मंडे ट्यूसडे को आपके रुके हुए पैसा कहीं से आपको मिल सकता है, और वेनसडे थर्सडे को अगर जॉबलेस है तो आपको जॉब मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था तो वेनसडे थर्सडे को अच्छा परफॉर्म करेगा। ये सारा वीक, स्पेशली वेनसडे थर्सडे, आपके लिए फुल ऑफ पैकेज है, जिसमें अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी आपको मिलेंगे, रुके हुए काम भी आपके बनेंगे, पेरेंटल हैप्पीनेस या कुछ इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है, या ब्लेसिंग्स आपकी आपके पेरेंट्स से आपको मिल सकती हैं, स्पाउस से बहुत अच्छी सपोर्ट आपको मिलेगी। लेकिन जो आपका बिहेवियर होगा आपके स्पाउस के प्रति, वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, तो थोड़ा सा केयरफुल होके चलें, थोड़ा सा अलर्ट होके चलें, स्पाउस को रिस्पेक्ट देके चलें, ऐसी कोई भी बात, ऐसी कोई भी हरकत ना करें जिससे आपके साथ आपके स्पाउस के रिश्ते खराब हो या आपकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए। स्पाउस की हेल्थ को लेकर भी फ्राइडे सैटरडे को आपको केयरफुल होकर चलना है। नई इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं, नया पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड इन द टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल फ्रंट। मार्केट में सेल्फ रिस्पेक्ट एरीज आपकी बहुत बढ़ेगी, और उस सेल्फ रिस्पेक्ट से आपको प्रॉफिट्स भी बड़े अच्छे होंगे। जॉब में है, मार्केटिंग रिलेटेड कोई काम करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर से या बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, या किसी किस्म के टेक्नीशियन हैं, तो अच्छा खासा मुनाफा फ्राइडे सैटरडे आपको देखने को मिलेगा, सीनियर से अप्रिसिएशन आपको मिलेगी, संडे आप अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। अनमैरिड हैं तो रिश्ते की विंडो आपकी ओपन हो रही है, रिश्ता पक्का हो सकता है, शादी की बात चल सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे आपकी मैरिटल लाइफ में एक नया मूवमेंट या आपकी पर्सनल लाइफ जो होगी पॉजिटिव इवेंट्स की ओर जाएगी। तो ये सारा वीक आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, ये सारा वीक आपके लिए ढेर सारा फाइनेंस लेकर आ रहा है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छी हो जाएगी, माइंड आपका स्टेबल रहेगा, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, यू विल अर्न नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी एंड योर गुड फॉर्चून स्टार्टेड स्माइल फॉर यू। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की, यानी कि वृष लगन की। वृष लगन आपके लिए 16th अक्टूबर से लेकर
जो 22 अक्टूबर तक का जो टाइम है, आपको इस समय में मंडे ट्यूसडे को थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना है। मंडे ट्यूसडे को आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलना है। बैक बोन्स रिलेटेड ट्रबल, स्टमक रिलेटेड ट्रबल या ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन रिलेटेड ट्रबल आपको हो सकती है, पेट में स्वेलिंग हो सकती है, पेट के नीचे का ऐसा इफेक्टेड हो सकता है। मंडे ट्यूसडे आपकी हेल्थ को लेकर बड़ी नेगेटिविटी बनी रहेगी, आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। मंडे ट्यूसडे यू आर नॉट इन ए कम्फर्ट जोन, यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट बट यू आर फेल टू गेट गुड रिजल्ट्स। वेनसडे थर्सडे आप बाउंस बैक करेंगे। वेनसडे थर्सडे आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा, अच्छा खासा गेन होगा। वेनसडे थर्सडे सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन आपको एफर्ट्स टॉरस बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा वेनसडे थर्सडे को अपने ड्रीम्स को, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए, अपने प्रोफेशनल लाइफ में और शाइन करने के लिए आपको जद्दोजहद बहुत करनी पड़ेगी। कॉन्ट्रोवर्सी में टॉरस ना फंसें, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कला क्लेश बिल्कुल ना करें, टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अगर आप कंट्रोवर्सी में फंसेंगे, कोर्ट कचहरी लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो चीज़ें वैसे काम नहीं करेंगी जैसी करनी चाहिए। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए एक मिक्स फ्रूट लेकर आने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलने की ज़रूरत है। और उसके बाद अगर हम बात करें फ्राइडे सैटरडे की, तो ये टाइम भी आपके लिए एक एवरेज रहेगा, जिसमें प्रोफेशनली आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिलेगी। सीनियर्स के साथ आपके रिश्ते अच्छे ना होंगे, मन मुटाव आपका सीनियर्स के साथ हो सकता है, सिबलिंग्स के साथ मनमुटाव हो सकता है, या किसी नियर डियर के साथ फ्राइडे सैटरडे को कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलें, अलर्ट होकर चलें, किसी के साथ बैसा बसाई में ना जाएं। अपने बिल, अपने यू नो टैक्सेस, इनकम टैक्स है, वैट का है, रिटर्न भरना है, या कुछ भी आपने करना है वो टाइम पे करें। लीगल मैटर्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ ना करें। कोई पेनल्टी आपको फ्राइडे सैटरडे को लग सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है जिससे चीज़ें आपके अगेंस्ट काम करें और मन में कुछ परेशानी या उतावलापन आपके अंदर बना रहे। संडे को आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस, स्ट्रेस और टेंशन में रहेंगे। आपके घर का माहौल टॉरस अच्छा ना होगा, ये सारा समय आपके घर का माहौल जो होगा वो आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव अप्रोच तक लेके जाएगा। ये सारा समय आप सोचेंगे कुछ और होगा कुछ और। यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट बट यू आर फेल टू गेट गुड रिजल्ट्स। दिस होल टाइम यू नीड टू मेंटेन अ गुड बैलेंस बिटवीन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। यू नीड टू मेंटेन अ गुड बैलेंस ऑफ योर मेंटल स्टेबिलिटी। अब बात करते हैं संडे की। देखें, अगर संडे की बात करें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन रह सकता है, लड़ाई झगड़ा किसी क्लोज वन के साथ हो सकता है। बिल्कुल भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना, नहीं तो आपकी जॉब को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर या आपकी रिस्पेक्ट को लेकर सोशल सर्कल में प्रॉब्लम आएगी। अब बात करते हैं जेमिनी सैनस की। 16 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक का जो पीरियड है दोस्तों, वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। देखिए, मंडे ट्यूसडे आपके लिए गेम चेंजर है। मंडे ट्यूसडे आपकी कोई डिज़ायर फुलफिल होगी, प्रोफेशनली ग्रोथ होगी, रिसोर्सेज बिल्ट होंगे, इनकम बेटर होगी, हार्ड वर्क पे ऑफ करेगा, बड़े बुजुर्गों से ब्लेसिंग्स मिलेंगी, फादर की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, फादर के साथ टाई अप बहुत अच्छे रहेंगे, यू विल अर्न मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। और वेनसडे थर्सडे को सम शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस विल मेक यू हैप्पी। यू विल मेट लॉट ऑफ मनी, नेम, फेम, प्रोस्पैरिटी, गुड फॉर्चून स्टार्टेड स्माइल फॉर यू, योर हेल्थ विल बी फाइन, योर वेल्थ विल बी बेटर, यू विल एंजॉय ऑल अराउंड सक्सेस। दिस विल बी अ हाईली productive and beneficial time for you. You just need to perform your best, Gemini ascendants. This will be a fantastic week. फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक विल बी हाईली रिवॉर्डिंग एंड बेनिफिशियरी फॉर यू। अगर आप अपने पेरेंट्स से कोई अप्रूवल लेना चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए उनसे कोई हेल्प या ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं, वो मिलेंगी। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, अपने पेरेंट्स से उसके बारे में बात करना चाहते हैं, तो भी ग्रीन सिग्नल मिलेगा। तो जो पहला पार्ट है आपके लिए इस वीक का, 16 अक्टूबर से 22 तक, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। रुक रुक के आपके काम जो हैं वो बनते रहेंगे और आपको गुड न्यूज़ कोई मिलेगी। फ्राइडे सैटरडे को जो चीज़ें होंगी थोड़ी सी स्लो डाउन चलेंगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड गेन्स इन स्टॉक मार्केट आपको देखने को मिलेगा, लाभ ही लाभ आपको देखने को मिलेगा, फाइनेंशियल टाई अप, फाइनेंशियल गेन्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा कहीं से मिल सकता है। अगर आप तकाजा करते हैं, आप पैसा अपना वापस लेना चाहते हैं, तो आप सामने वाले को थोड़ा सा इंसिस्ट करते हैं, डेफिनेटली यू विल गेट योर मनी बैक। दिस विल बी अ वेरी गुड वीक फॉर यू। अनमैरिड हैं तो रिश्ते की बात वीकेंड पे चल सकती है। संडे को खास करके आप अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, वेल विशर्स के साथ शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी पे जा सकते हैं, मौज मस्ती के लिए कहीं शहर से बाहर जा सकते हैं। यू विल स्पेंड वंडरफुल टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑन संडे। दिस विल बी हाईली रिवॉर्डिंग एंड बेनिफिशियरी पीरियड फॉर यू व्हेन यू विल मेक लॉट ऑफ मनी।
बस आपको बैलेंस बना के चलना है। खास करके आपके स्पाउस और आपके पेरेंट्स के बीच में तनाव नहीं होना चाहिए। ओवरऑल ये वीक आपके लिए प्रोस्पेरिटी लेकर आ रहा है। एक एमरल्ड राइट हैंड की रिंग फिंगर में, यानी कि सूर्य की उंगल में आपने पन्ना डालना है, गोल्ड में बढ़ाकर, आपके लिए गेम चेंजर रहेगा। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। 16 अक्टूबर से 22 ऑफ अक्टूबर तक का जो पीरियड है, देखिए मंडे ट्यूसडे आप थोड़ा स्लो फील करेंगे, डाउन फील करेंगे, नर्वस फील करेंगे। यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट बट यू आर फेल टू गेट रिजल्ट्स, प्रॉफिट्स इतने अच्छे नहीं आएंगे। हार्ड वर्क एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, स्ट्रगल आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। वेनसडे थर्सडे को अचानक दूर दराज किसी मुल्क से आपको कोई पार्टनर आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकता है। वेनसडे थर्सडे को दूर दराज किसी शहर से या किसी हम बोल सकते हैं कंट्री से डिफरेंट रिलीजन का पर्सन आपके साथ इन्वॉल्व हो सकता है आपके बिजनेस में, आपको नया इन्वेस्टर मिल सकता है। कैंसर असेंडेंस अगर आपका है तो वेनसडे थर्सडे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो वेनसडे थर्सडे आपके लिए प्रोडक्टिव हैं। फैमिली सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगी, हेल्थ आपकी बहुत बढ़िया रहेगी, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड बनता जाएगा क्योंकि चीज़ें जैसी आप चाहते हैं उसको करने के लिए आपको 3 गुना 4 गुना ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, बट वो जो एफर्ट्स हैं आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी लेकर आ रहे हैं। अब ये चीज़ समझ के चलें, जितना ज़्यादा आप एफर्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग वेनसडे थर्सडे को सक्सेस हासिल कर लेंगे। इंस्टीट्यूट रन करते हैं, टीचर हैं, लेक्चरार हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, या आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, या प्रिस्त हैं, या आप फादर हैं, तो ये टाइम फ्रेम आपकी भले भले होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी, रिसोर्सेज आपके बढ़ेंगे, इनकम में इजाफा होगा, हर एक तरह से खुशियाँ आपको यहाँ पर नसीब होंगी। देखिए फ्राइडे सैटरडे आपके लिए थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा, स्टमक रिलेटेड ट्रबल, घुटनों में प्रॉब्लम, नीज में प्रॉब्लम, पाँव से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है, पैरों में स्वेलिंग हो सकती है, अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें। ओवरऑल फाइनेंस को लेकर ये वीक आपके लिए एवरेज है। मंडे ट्यूसडे और फ्राइडे सैटरडे आपके लिए अच्छा खासा फाइनेंस रहेगा, लेकिन आपकी उम्मीदों से कम रहेगा जिस वजह से मैं एवरेज बोल रहा हूँ, बट ओवरऑल आपके रिसोर्सेज ऐसे रहेंगे कि एक्सपेंडिचर्स के लिए पैसे की आवक आपके पास बनी रहेगी। अनमैरिड है तो फ्राइडे सैटरडे को कोई रिश्ता आ सकता है, अनमैरिड है या कोई कंपेनियन आपको मिल सकता है, आपकी लव लाइफ स्टार्ट हो सकती है। ओवरऑल ये वीक आपके लिए बीते कुछ वीकों से बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप फोकस करेंगे, सुबह उठ के मेडिटेशन करेंगे, भगवान शिव की हर रोज़ सुबह आराधना करेंगे, 108 नाम भगवान शिव के आपने हर रोज़ सुबह उच्चारण करने हैं, शिव चालीसा 3 बार 5 बार 7 बार आपने हर रोज़ सुबह उच्चारण करनी है, हर रोज़ शाम को आपने हनुमान चालीसा का उच्चारण करना है 3 बार 5 बार 7 बार 11 बार। सूर्य अस्त होने के बाद हनुमान जी की भक्ति ज़रूर करें, भूलें ना। कोरल एक राइट हैंड की रिंग फिंगर में डाल लें, येलो सफ़ायर एक राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में गोल्ड में मड़ा के डाल लें, आपकी जय जयकार होगी, आपके भले भले होगी। लेकिन स्ट्रगल शनि अष्टम भाव में आपके लगन या मून साइन से, तो आपको स्ट्रगल साथ में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं लियो सैंडस की। 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक का जो टाइम है लियो, आपके लिए मंडे ट्यूसडे शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग रहेगी। अचानक से आप ट्रैवल करेंगे जिसमें आपको बड़े अच्छे एडवांटेज मिलेंगे, कोई नया बिजनेस, कोई नई इन्वेस्टमेंट्स आप स्टार्ट कर सकते हैं, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, नेम फेम प्रोस्पेरिटी में इजाफा होगा, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ रिसोर्सेज, यू विल एंजॉय नेम फेम प्रोस्पेरिटी, आपकी पॉजिटिविटी बहुत अच्छी बनेगी। मंडे ट्यूसडे आप जो चाहते हैं ना लियो वो कर पाएंगे। घर में कोई खुशखबरी आ सकती है, बच्चों का रिजल्ट आ सकता है, आपकी इच्छा के मुताबिक आपके किड्स परफॉर्म करेंगे, बच्चों के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, या आपके घर में अगर कोई अनमैरिड आपके किड्स हैं जिनकी शादी की एज है उनका रिश्ता पक्का हो सकता है, अचानक बैठे बैठाए उनको रिश्ता मिल सकता है। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियल टाइम फॉर यू। मंडे ट्यूसडे आपके लिए थॉट्स आपकी बड़ी पॉजिटिव रहेंगी, जो एक नेगेटिव जोन में आप चल रहे थे उस नेगेटिव जोन से आप बाहर आ जाएंगे। देखिए वेनसडे थर्सडे आप बाउंस बैक करेंगे, जॉब में आपको बड़े अच्छे गेन्स मिलेंगे, सीनियर्स आपको अप्रिशिएट करेंगे, प्रमोशन इंक्रीमेंट आपका हो सकता है, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बढ़ सकती है, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, रुके हुए काम आपके बनते जाएंगे, यू विल अर्न नेम फेम प्रोस्पेरिटी, गुड फॉर्चून स्टार्टेड स्माइल फॉर यू एंड यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव टाइम फॉर यू। इफ यू विलिंग टू स्टार्ट एनीथिंग न्यू देन मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे इज अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू। प्रोफेशनली बड़ी ग्रोथ पहले 4 दिन देखने को मिलेगी। फ्राइडे सैटरडे चंद्रमा का गोचर एकादश भाव में होने की वजह से लाभ में उन्नति आएगी, आपको हायर अथॉरिटी से सपोर्ट मिलेगी, हेल्थ वेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, रुके हुए काम आपके बनते जाएंगे। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए रुक रुक के धन लाभ आपको लेकर आएगा, आपको हर एक तरह से खुशखबरी मिलेगी। लियो
आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ हर रोज सुबह जरूर करें, सूर्य नमस्कार हर रोज सुबह जरूर करें, पिता की ब्लेसिंग्स लें, पिता के चरण स्पर्श करें, पिता को धुतकारें ना, पिता के उतरा हुआ कोई गोल्ड की चैन या कोई गोल्ड की रिंग वो डाल के रखें। जितने ज़्यादा फादर की ब्लेसिंग्स लेंगे उतना ज़्यादा समय आपके लिए रिवार्डिंग और फ्रूटफुल रहेगा। देखें, इस समय में आपने अपने पिता की ब्लेसिंग जरूर लेनी है। कुछ नया करने जा रहे हैं तो पिता की ब्लेसिंग्स के बिना ना करें, पिता के चरण स्पर्श जरूर करें। हर रोज़ सुबह अपना डे स्टार्ट करें अपने फादर के चरण स्पर्श करके, हर रोज़ रात को अपना डे फिनिश करें फादर के चरण स्पर्श करके। 800 ग्राम कनक, 800 ग्राम गुड़ और एक तांबे का सिक्का बिना सुराख किया हुआ चलते पानी में जल प्रवाह करें संडे वाले दिन सुबह। यानी आई रिपीट दिस, 800 ग्राम्स यू नो गुड़ और 800 ग्राम कनक आपने तांबे का एक सिक्का मिक्स करके लिफाफे से निकाल के चलते पानी में जल प्रवाह करना है, जो आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होगा। अब बात करते हैं वर्गो साइनस की। 16 अक्टूबर से लेकर 22 ऑफ अक्टूबर तक का जो पीरियड है, देखिए मंडे ट्यूसडे आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। मंडे ट्यूसडे मेंटली डिस्टर्बेंस रहेगा, मन परेशान और उतावला और बेचैन रहेगा, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कंट्रोवर्सी हो सकता है, सिबलिंग्स के साथ आपकी तू तू मैं हो सकती, पैसे के लेन देन को लेकर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। पैसे के लेन देन को लेकर आपका मन जो है ना वो बड़ा बेचैन रहेगा कि जिसके साथ आपने जो भी अच्छा किया रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिले। लेकिन आपको डिसऑर्डर्ड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेनसडे थर्सडे नया सनराइज होगा और आपके लिए नई चीज़ें लेकर आएगा जिसमें आपके सिबलिंग्स ही आपको सपोर्ट करेंगे। जिनके साथ आप मंडे ट्यूसडे को लड़ रहे थे या नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ रही थी वो आपकी पॉजिटिविटी में टर्न हो जाएंगी और आप बहुत अच्छे इवेंट्स इंजॉय करोगे अपने सिबलिंग्स के साथ। देखिए वेनसडे थर्सडे को अर्निंग्स भी अच्छी रहेंगी, एक्स्ट्रा मनी भी आप अर्न करेंगे, ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगी, स्टॉक मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। फ्राइडे सैटरडे को जॉब स्विच ऑफ कर सकते हैं, फ्राइडे सैटरडे को कुछ छोटा मोटा ऑपरेशन भी हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे को डॉक्टर का विजिट हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज जाग सकते हैं, लेकिन रिसोर्सेज आपके बड़े अच्छे बने रहेंगे। ओल्ड इन्वेस्टमेंट से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेगा, हेल्थ वेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, गुड फाइनेंशियल गेन्स आपको होंगे, रुके हुए काम आपके बनते जाएंगे, फैमिली में बड़े बुजुर्गों की सपोर्ट आपको मिलेगी और ये सारा टाइम फ्रेम यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी एंड गुड फॉर्चून स्टार्टेड स्माइल फॉर यू। देखिए अब बात करते हैं लिब्रा साइनस की। 16 अक्टूबर से 22 ऑफ अक्टूबर तक का जो पीरियड है, देखिए मंडे ट्यूसडे आप बहुत ज्यादा डाउन फील करेंगे। मंडे ट्यूसडे घर का माहौल खराब रहेगा, स्पाउस के साथ तू तू मैं हो सकती है, स्पाउस के साथ रिश्ता खराब हो सकता है, सेपरेशन तक की नौबत आ सकती है, डिवोर्स तक की नौबत आ सकती है, मन परेशान और बेचैन रहेगा, स्पाउस के साथ चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, लड़ाई झगड़ा कला कलेश बिल्कुल ना करें। मैरिड हैं तो अपनी मैरिज लाइफ को फोकस करें, अपने स्पाउस को रिस्पेक्ट दें, अपने स्पाउस को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल ना करें बल्कि रिस्पेक्टफुली आप उनके साथ बिहेव करेंगे तो आप एक अच्छे लविंग रिलेशनशिप में रहेंगे। अदरवाइज मंडे ट्यूसडे सिचुएशन आपकी पर्सनल लाइफ की पूरी आपके अगेंस्ट होगी, आपके इन लॉज आपके अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकते हैं या आपका मन परेशान रह सकता है या दुविधा में रह सकता है। दिस इज नॉट वेरी प्रोडक्टिव टाइम फॉर यू, यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट, यू नो अपनी हेल्थ का अपनी वेल्थ का ध्यान देके चलें और अपनी रिस्पेक्ट का ध्यान देके चलें, स्पाउस की हेल्थ का भी ध्यान देके चलें। वेनसडे थर्सडे को अचानक से आपको लाभ होगा, होटल से जुड़ा होकर कार्य करते हैं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, होटल में कोई जॉब करते हैं या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करते हैं, व्हीकल सेल परचेज से संबंधित कोई काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे खासे गेन्स होंगे। लेकिन माइंड आपका डिस्टर्ब रहेगा, डिसहार्टेड रहेंगे आप, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने के बाद सक्सेस आपको वैसी नहीं मिलेगी जैसी मिलनी चाहिए, हार्डवर्क आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा लेकिन उस तरह के रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। घर का माहौल खराब रहेगा, पार्टनर्स के साथ तू तू मैं होगी, लड़ाई झगड़ा कला क्लेश होने की वजह से आप काफ़ी बेचैन और परेशान रहेंगे, लेकिन रुक रुक के पैसे की आवक आपकी बनी रहेगी। फ्राइडे सैटरडे को आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी प्लान कर सकते हैं बिजनेस से संबंधित, गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़े अगर मैरिड है, करेक्टर खराब ना होने दें। देखें जो ये लास्ट मंथ है अक्टूबर का, मैं ये भाषण लिब्रा के लिए देता रहूंगा कि चरित्र 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 को संभाल के चलें, करेक्टरलेस नहीं होना, जहां पे करेक्टरलेस हुए नहीं वहां पर सिचुएशन वर्स्ट हुई नहीं। अगर आप चाहते हैं कि सिचुएशन अच्छी बनी रहे तो बिल्कुल भी आपने करेक्टरलेस नहीं होना तो सिचुएशन अच्छी रहेगी, अदरवाइज चीजें आपके फेवर में नहीं रहेंगी। देखिए संडे का दिन आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहेगा, 4 बजे तक संडे को आप काफी स्ट्रेस में रहेंगे, उसके बाद आप एक अच्छा इंटरटेनिंग समय अपनी फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करेंगे। लक्ष्मी चालीसा का उच्चारण जरूर करें, सीक्रेट पार्ट ऑफ द बॉडी नीट एंड क्लीन रखें, दूध और दही का यू नो दूध और दही के साथ नहाएं जितना ज्यादा हो सकता है। व्हेन यू गो फॉर द शावर ट्राई टू यूज यू नो मिल्क
इट्स वेरी गुड फॉर यू। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैंडस की। 16 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक का जो पीरियड है, मंडे ट्यूसडे जो लोग बॉलीवुड हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं या इंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं, टिकटॉक है, टिकटॉकर हैं, यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए बड़े अल्टीमेट समय। यू मे कॉन्ट्रैक्ट न्यू साइन, यू मे साइन न्यू डील, यू मे अर्न मनी फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड वे, योर सेल्फ रिस्पेक्ट विल राइज, यू मे गो फॉर सम लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस अर्निंग, यू मे प्लान सम लॉन्ग डिस्टेंस एंड शॉर्ट डिस्टेंस अर्निंग, दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव टाइम फॉर यू, योर मड विल टर्न इन गोल्ड, योर रिलेशनशिप विल कन्वर्ट इन गुड मैरिज लाइफ, योर स्पाउस और योर गर्लफ्रेंड विल सपोर्ट यू, दिस विल बी अ हाईली प्रोडक्टिव टाइम, यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट, पुट योर एफर्ट्स एट योर वर्क प्लेस, यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल, दिस विल बी अ वेरी बेनिफिशियल टाइम फॉर यू। वेनसडे थर्सडे आपकी इच्छा पूरी होगी, हेल्थ रिलेटेड कुछ इशूज है वो रिसॉल्व होंगे, कोर्ट कचहरी के मसले थे वो रिसॉल्व होंगे, ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, रुक रुक के आपके प्रॉब्लम्स का समाधान आपको देखने को मिलेगा, घर में पिता की सेहत बहुत अच्छी होगी, पिता के साथ टाइप बहुत अच्छे होंगे, या पिता की दी गई कोई सलाह आपके लिए योग कारक सिद्ध होगी, यानी कि गेम चेंजर एक्ट होगा। अगर आप अपने फादर के साथ कुछ डिस्कस करते हैं, उनकी एडवाइस को अपने प्रोफेशनल लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। अनमैरिड है तो रिश्ता हो सकता है, फॉरन से अच्छा खासा लाभ हो सकता है, फॉरन से धन लाभ हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड मनी होगी, प्रॉपर्टी फॉरन में आप बाय करेंगे, व्हीकल फॉरन में आप बाय करेंगे, बिजनेस कोई नया स्टार्ट आप कर सकते हैं या कोई ब्रांच फॉरन में बिजनेस की आप खोल सकते हैं। फ्राइडे सैटरडे को आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नए नए पार्टनर्स आपको मिलेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका चरम सीमा पर रहेगा, लेकिन आपके एक्सपेंडिचर्स भी पीक पे रहेंगे, जिस वजह से थोड़ा सा मन परेशान रहेगा कि पैसा आ भी रहा है लेकिन खर्च भी हो रहा है, लेकिन वो मांगलिक कार्यों पर हो रहा है, कोई यूजलेस आप एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे, वेस्ट एक्सपेंडिचर्स नहीं आप कर रहे जिससे मन आपका परेशान रहे, यानी कि पैसे की आवक इस वीक में बनी रहेगी लेकिन खर्चा भी मांगलिक कार्यों पे होगा, हो सकता है घर की कंस्ट्रक्शन करवाएं फ्राइडे सैटरडे को, या संडे को कुछ घर में रेनोवेशन करवाएं, या घर में कोई लग्जरी की आइटम्स बाय करें, या खुद कोई कार बाय करें, कंफर्ट्स में इस वीक में सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में राइज होगा, फ्राइडे सैटरडे संडे जो कंफर्ट्स है ना आपके, नौकर चाकर व्हीकल, इस पर राइज होगा अगर आपका स्कॉर्पियो सैंडनेस है, और अगर आपके ऊपर सूर्य मंगल चंद्र या बृहस्पति की महादशा चल रही है, तो अगर शनि की भी चल रही है तो भी कंफर्ट्स में राइज होगा। अब बात करना है सैजिटेरियस सैंडनेस की। 16 अक्टूबर से लगे 22 अक्टूबर तक जो टाइम है, Monday, Tuesday, you will sign new contract or new deal. You will earn money from multiple sources of earning. You may get promoted. You may, enter in a new company or कुछ ऐसा होगा जिसमें आपके आमदन में Monday, Tuesday को वृद्धि होगी। काम रुका पड़ा था, बन नहीं पा रहा था, अचानक से बनेगा। Finance अचानक से कहीं से मिलेगा। Bank balance with full of money. This will be a wonderful time when you will meet lot of name, fame, prosperity. रुके हुए काम बनेंगे। वेनसडे थर्सडे को कोई नई लव लाइफ शुरू हो सकती है। वेनसडे थर्सडे को ये भी हो सकता है किसी के साथ अच्छे रिलेशन आपके बिल्ड हो जाएं। ऑपोजिट सेक्स, ऑपोजिट जेंडर आपके ओवर अट्रैक्ट होगा बहुत ज़्यादा, आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा निखार आएगा। यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल, दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियल टाइम फॉर यू, व्हेन यू विल मीट नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, गुड फॉर्चून स्टार्टेड स्माइल फॉर यू, एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड, योर हेल्थ विल बी फाइन, योर वेल्थ विल बी बेटर, एंड यू मे अर्न, यू विल डेफिनेटली अर्न लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। सैजिटेरियस, दिस विल बी अ पावरफुल टाइम फॉर यू, यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। फ्राइडे सैटरडे आप बहुत अच्छा टाइम अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ स्पेंड करेंगे, हार्डवर्क बहुत करेंगे, एफर्ट्स बहुत करेंगे, ओवर टाइम आप लगाएंगे, अर्निंग इस वीक में बल्ले बल्ले। सैजिटेरियस, अर्निंग को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉस्पेरिटी को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे काम आप कर जाएंगे जो आपने सोचे ना होंगे, फैमिली की फुल ऑन सपोर्ट मिलेगी। अनमैरिड हैं, फर्स्ट मैरिज करना चाहते हैं तो विंडो ओपन है, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं या लव अफेयर चल रहा है वो शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो विंडो ओपन है, वेरी गुड टाइम फॉर यू। आपके लिए पुखराज गले में धारण करना इस समय में, येलो सफायर इन गोल्ड पेंडेंट आप अपने गले में डाल लें सोने में मढ़ाकर, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विष्णु भगवान की उपासना करें, विष्णु भगवान के मंदिर में देसी घी का दिया जगाएं, अपने धर्म से विमुख ना हो, अपने धर्म का सत्कार करें। मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, यहूदी हैं, पारसी हैं, जो भी हैं आप, जिस भी धर्म से हैं आप, जो भी आपकी श्रद्धा है उस श्रद्धा के को फॉलो करें, अपने रूल्स रेगुलेशंस को अपने धर्म के फॉलो करें। अगर धर्म से विमुख होंगे तो चीज़ें उस तरह से काम नहीं करेंगी जैसी होनी चाहिए। फॉलो योर रिलीजन, बिकॉज जुपिटर आपके सैनस के लॉर्ड है। जितना ज़्यादा आपने रिलीजन के प्रति स्ट्रांग होकर चलेंगे उतना ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी।
अब बात करते हैं कैप्रिकॉन असेंडेंस की। 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक का जो टाइम है कैप्रिकॉन आपके लिए, मंडे ट्यूसडे घर का माहौल थोड़ा खराब रहेगा, बेचैनी रहेगी, डिवोर्स सेपरेशन तक की नौबत आ सकती है, मन उतावला बेचैन रहेगा। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए स्ट्रगल लेकर आएगा, हार्डवर्क लेकर आएगा। उस तरह के रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे जैसे आपको चाहिए। हार्डवर्क एफर्ट्स बहुत करेंगे, मन में बेचैनी रहेगी, उतावलापन रहेगा, परेशानी रहेगी। वेनेसडे थर्सडे को किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोर्ट कचहरी का कोई मुद्दा राइज हो सकता है, या लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई पुलिस कंप्लेंट आपके अगेंस्ट हो सकती है। बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलें। दिस इज़ नॉट वेरी गुड टाइम फॉर यू। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन फॉर यू एंड यू विल सी लॉट ऑफ अप एंड डाउन इन योर लाइफ। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं कैप्रिकॉन, सबसे पहले सच्चाई का दामन पकड़ें, किसी से झूठ ना बोलें, किसी का हक ना मारें, कि जिसको जो प्रॉमिस किया उसके पैसे या कोई प्रोडक्ट डिलीवर करना है वो टाइम पे डिलीवर करें। फ्राइडे सैटरडे इंप्लॉइज़ के साथ प्रॉब्लम होगी। फ्राइडे सैटरडे आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी होंगे, एक तरफ से स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट हो सकता है, या कोई रुका हुआ पैसा कहीं से मिल सकता है, किसी कंपनी से आपने पैसा लेना था वो मिल गया, लेकिन इंप्लॉइज़ के साथ कुछ तू तू मेमो होने की वजह से वर्क प्लेस पे आपकी रिस्पेक्ट उतनी नहीं बनेगी। मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, कुछ स्ट्रगल आपके लिए बनेगी, लेकिन भाग्य का सहारा इस वीक में मिलने की वजह से आप उस स्ट्रगल से ओवरकम कर जाएंगे, यानी कि उस स्ट्रगल को फेस करके आगे निकल जाएंगे इजिली, क्योंकि बुध एग्जाल्टेड चल रहे हैं अभी और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खास करके फर्स्ट वीक, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा कि उलझनों के बावजूद, परेशानियों के बावजूद भी आप विन करते जा रहे हैं। काली माता की उपासना रोज रात को जरूर करें, जितना ज़्यादा काली चालीसा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक का जो टाइम है, मंडे ट्यूसडे अनएक्सपेक्टेड आपको गेन्स होंगे, घर का माहौल खराब रहेगा, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, स्पाउस के साथ तू तू मैं हो सकती है, सेपरेशन या डिवोर्स तक की नौबत आ सकती है, लेकिन पैसा आप अच्छा बना जाएंगे, पैसा आप अच्छा कमा जाएंगे और ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अचानक से धन लाभ होगा, लेकिन स्ट्रेस टेंशन बनी रहेगी। शनि लग्न में वक्री हैं अभी, मन परेशान रहेगा, दुविधा में रहेगा। वेनेसडे थर्सडे को भी कोई ईएमआई को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है, पैसे की आवक होगी लेकिन उस तरह से नहीं होगी जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलें, अलर्ट होकर चलें, अपने किसी बिजनेस एसोसिएट्स के साथ, अपने किसी नियर डियर के साथ कोई भी फॉल्स कमिटमेंट बिल्कुल ना करें। अगर किसी का पैसा देना है हाथ जोड़कर टाइम पे जाकर देकर आएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अदरवाइज ये पीरियड आपको मेंटल स्ट्रेस लेकर जाएगा। स्पाउस को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना। फ्राइडे सैटरडे को स्पाउस के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, फ्राइडे सैटरडे को स्पाउस को रिस्पेक्ट देके जाना है। फ्राइडे सैटरडे को जितना ज़्यादा स्पाउस को रिस्पेक्ट देंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। हर एक तरह से आपका गुड फॉर्चून स्माइल करेगा, रुके हुए काम आपके बनते जाएंगे, हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा और हर एक तरह से सक्सेस आपको मिलेगी। लेकिन दो चीज़ें ध्यान रख के चलें, घर में बड़े बुजुर्गों की हेल्थ पे पैसा लग सकता है, उनकी हेल्थ को नज़रअंदाज ना करें अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है उनके साथ। तो ब्लेसिंग्स लें अपने दादा की, अपने चाचा की, अपने ताया जी की, अपने फादर की, अपने बड़े भाई की ब्लेसिंग्स लें आप जितना ज़्यादा हो सकता है, अपने स्पाउस की, एक गुड कम्युनिकेशंस में रहें अपने स्पाउस के साथ, एक गुड रिलेशनशिप में रहें अपने स्पाउस के साथ, इज्जत दें स्पाउस को तो इज्जत आपको मिलेगी। अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंस की। 16 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर तक, देखिए सबसे पहले बात करेंगे मंडे ट्यूसडे की। यहाँ पर आपको अचानक से कुछ धन लाभ होगा, यहाँ पर आपको आपके एक्सपेंडिचर्स जो स्काई हाई थे कुछ डाउनफॉल में जाएंगे। अचानक से अच्छा पैसा, अच्छी रकम मिलने से मन आपका खुश रहेगा। मंडे ट्यूसडे को पारिवारिक सपोर्ट आपको मिलेगी, स्पाउस आपको सपोर्ट करेगा, मंडे ट्यूसडे को नई प्लानिंग्स आप करेंगे। वेनेसडे थर्सडे को कोई नई इन्वेस्टमेंट आपने नहीं करनी, वेनेसडे थर्सडे को अपने फादर की ब्लेसिंग्स लिए बिना कोई कार्य नहीं स्टार्ट करना, किसी किस्म की कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे नहीं जाना, अपनी हेल्थ अपनी वेल्थ का ध्यान देके चलना है। खर्चा वेनेसडे थर्सडे को बढ़ेगा, इनकम लो होगी। मंडे ट्यूसडे को इनकम हाई होगी, खर्चा कम होगा, लेकिन वेनेसडे थर्सडे को एक्सपेंडिचर्स आपके स्काई हाई होंगे, मन थोड़ा सा उतावला बेचैन और परेशान होगा, बट ओवरऑल यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन कंपेयर टू लास्ट वीक। लेकिन वीकेंड जो है फ्राइडे सैटरडे सेकंड पार्ट ऑफ द वीक आपके लिए स्ट्रगल लेकर आएगा, फिर से मेंटल स्ट्रेस एंग्जायटी टेंशन ये रहेगी, कोर्ट कचहरी के लफड़े आपके अगेंस्ट कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, प्रॉपर्टी तक सेल करने की नौबत आ सकती है। दिस इज नॉट वेरी गुड टाइम फॉर यू पाइसेस। इफ़ यू आर अंडर एनी मेलेफिक प्लैनेट महादशा, यू नीड टू कंसल्ट विद योर नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर, ही विल लेट यू नो अबाउट द स्मॉल रेमेडी वर्शिप एंड चैंटिंग एज पर यूर बर्थ चार्ट प्लैनेट, बट ओवरऑल एज पर ट्रांजिट यू नीड टू बी केयरफुल वाइल स्पेंडिंग योर मनी।
You need to be careful while investing your money. Must take blessings of your elders at your home. Must take blessings of your grandfather or your chachaji. You will definitely feel relaxed and better. Don't make any false commitment. Take care of your spouse health. Take care of your loved one health. Stay cool, man. Thank you for watching my video. I'm praying for your happy future. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.